मैं गंगाराम सेपट, सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक, जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। आज आप लोग मेरे पॉली हाउस के अंदर हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से क्रॉप लगी हुई है और फ्रूट्स आ रहे हैं। ये पूरा पॉली हाउस का है, जिसमें दो वेराइटी लगी हुई है अलग अलग। पूरा पूरा बरसात की एक बूंद भी बारिश होती है तो इन पाइपों के द्वारा हम पॉन्ड में ये पानी इकट्ठा करते हैं। हमारे पास में 75 लाख लीटर पानी की इकट्ठा करने की क्षमता है। इस पानी को फसल में देने के लिए सोलर लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिनका उपयोग बिना बिजली के हम उसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा मेरे पास में बायो लैब भी मैंने बना रखी है, जिसमें लगभग 10 से 15 प्रकार के कल्चर्स इसके अंदर हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, पेसिलो है, बेसिलस सबट्यूलस है, वोवेरिया वेशियाना है, माइट के लिए हिसीटुला थॉम्सन है, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, जो राजस्थान में मरु प्रदेश के अंदर स्ट्रॉबेरी लगा रखी है मैंने। ये रेड कैबेज है, आप देख रहे हैं। मेरे खेत में लगभग 10 से 15 प्रकार की सब्जियां लगाता हूं, जिसमें चाइना कैबेज है, रेड कैबेज है, लेट्यूज है, आइसबर्ग है, और वह सामने आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रकार के गेहूं है, और साथ में उसके पास में काले जो गेहूं है वो भी मैं यहां पर मेरे खेत में ग्रो कर रखे हैं। पॉन्ड के अंदर मेरे पास में 75 लाख लीटर पानी है। इसके साथ में आप लोग इसके अंदर 7 प्रकार की मछलियां हैं, 7 वेराइटी, जिसमें 3 देसी मछलियों की वेराइटी है, जिसमें कर्प मरगला है, रोहू है, कतला है, और विदेशी मछलियों के अंदर इसमें कॉमन कॉर्प है, सिल्वर कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प है। मछलियों का वेस्टेज जो है वो फसल के लिए रामबाण औषधि है, और मेरे खेत में जो वेस्टेज पदार्थ हैं उनका उपयोग मैं मछलियों के खाने के रूप में करता हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं मेरे खेत में 7 प्रकार की बहुवर्षीय घास लगी हुई है, जिसमें ये नेपियर घास है, ये मोरिंगा लगा हुआ है, गिन्नी घास है, O5 है, सुपर नेपियर है, TSH है, और केन घास है। ये कितना शानदार TSH घास है। ये केन घास का है, और ये CO5 का है। सब्जियों के अलावा हमारे पास में फ्लावर्स की भी खेती हम लोग कर रहे हैं। अभी हाल ही में नया प्रोजेक्ट के रूप में हमने ये बहुत सारे अलग अलग वेराइटियों के जो फ्लावर हैं वो हमने हमारे खेत में ग्रो किए हैं, और ये एक फ्लावर्स के इनकम के साथ साथ में इनका एक बेनिफिट ये है कि साहब इनके जो कलर है इसके ऊपर इंसेक्ट आते हैं, तो ये फसलों के साइडों में अलग अलग रो के अंदर इसको लगाया गया है, जिससे इंसेक्ट इनके ऊपर आ जाएंगे और इन्हीं के ऊपर स्प्रे करके हम रोग और बीमारियां जो है उनसे बचाया जा सकता है। ये लोकार्नो लेट्यूज है, इसी प्रकार से एक दूसरा प्रकार का लेट्यूज ये है, यानी अलग अलग वेराइटी जो है वो मेरे पास में लेट्यूज की वेराइटियाँ हैं। ये ग्रीन लेट्यूज में आता है, आगे आप देख रहे हैं वो रेड लेट्यूज के अंदर है, और मेरे पास में टोटल हम सिख परिवार है, हमारा 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास में एक एक पॉली हाउस है, यानी लगभग 12,000 वर्ग मीटर हमारे पास में पॉली हाउस है, और पर पॉली हाउस के अंदर मुझे 10 लाख रुपए होता है। साथ ही मैं ओपन फील्ड से मछलियों और ओपन फील्ड की जो क्रॉप है इन सबको मिलाकर मैं जो पहले आमदनी परंपरागत हम खेती करते थे तो 2 लाख रुपए थी, उससे बढ़कर आज हमारी जो है मेरी जो बचत है अकेले की वो 20 लाख रुपए पर सालाना है। और मुझे अभी हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इनोवेटिव फार्मर के रूप में चुना गया है। के साथ आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में सारे के सारे कृषि यंत्र हैं, इनका उपयोग मैं करता हूं, और पूसा IRI द्वारा मैं जुड़ा हुआ हूं, और वहां से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।